सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ फ्री फायर। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि बहुत कुछ चेंजेस गेम में आ गया है। मैंने जो जो बोला था उसमें से 20-30% चीज़ अभी तक आया है, पर मैप वगैरह अभी तक नहीं आया है क्योंकि एडवांस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मैप के ऊपर। सो मैप को हटा दिया गया है, वो सितंबर में आई थिंक आ जाएगा। तो नया नया जो चीज़ है गाइस, ये बैकपैक ऐड हुआ है, ये दो बैकपैक अभी तक मैंने कस्टम जो होता है ना वो डाउनलोड वाला वो अभी तक फुल्ली डाउनलोड नहीं किया। ये जो जो चीज़ देख रहे हो आप, ये सब बंडल न्यू आया है हमारा स्टोर पे। ओके, ये वाला इमोट भी आया है, मैं जल्दी ये वाला इमोट परचेस करूँगा। एंड स्पेशली गाइस, ये वाला लैम्बो का स्किन आ गया है। पर गाइस, दुख की बात ये है कि जीप का एक स्किन था वो हॉलोमैन टाइप का, हॉलोमैन जो सीजन था उसका स्किन था, वो हटा दिया गया है। एंड गाइस, क्लू का कैरेक्टर भी आ गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एंड गाइस, बहुत सारा चेंजेस नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ चेंजेस हो गया है। मैंने जो बोला था बुया का जो लोगो चेंज हो गया है, जब हम लोग जीत जाते हैं उसका लोगो थोड़ा चेंज कर दिया है। तो गाइस, ठीक ठाक है, पर ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया है यहाँ पर गरीना ने। अपडेट बहुत 400 MB का आसपास था अपडेट, तो उसमें से मुझे नहीं लगता ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, ये है नया हेयर की प्लेस पर ये चीज़ आ गया है कुछ फनी टाइप का। तो गाइस, ठीक ठाक है, बुरा नहीं बोलूँगा, काफ़ी ठीक ठाक है, थोड़ा फनी टाइप का है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। सो गाइस, चेंजेस और यहाँ पर फैशन पर नहीं किया है, ये तो प्रीवियस वाला ही है। और गाइस, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं दिखा है मुझे। तो गाइस, अपडेट इतना तो चेंजेस होना चाहिए था। ओ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये बंडल जो है, ये गाइस नया आया है। हाँ, ये गाइस बंडल नया है, तो ये फनी वाला बंडल ही है। सो गाइस, 400 MB का आसपास था ये अपडेट, पर उसमें मुझे नहीं लगता कुछ ठीक ठाक चेंजेस किया है गरीना ने। तो यही पर भी, यहाँ पर भी मैजिक क्यूब बोलो, क्यूब फ्रेगमेंट बोलो, एफएफ टोकन बोलो, रैंक टोकन बोलो, पिंक टोकन बोलो, कहीं पर भी कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है गिल्ड टोकन पर। गाइस, जो मिलता है हम लोगों को तो उसे हम एक्सचेंज कर लेते हैं, अरे भाई बाद में भेजो। तो ये सब चीज़ हम लोग एक्सचेंज कर लिया है। ओके, एंड देन गाइस देखते हैं जाके इवेंट सेक्शन में। तो मोड तो गाइस वही है, एक मोड आया था न्यू, वो भी हटा दिया है यहाँ पर गरीना ने। तो गाइस, यहाँ पर ऑग न्यू गन जो आ गया है, सेल्फ जो मतलब सेल्फ रिवाइव जो होता है वो क्लैश स्क्वाड में अवेलेबल हो चुका है, आप लोग जाके गेम प्ले कर सकते हो। अगर आपको कोई एनिमी या कोई बंदा मार दे तो उसको आप लोग खुद ही खुद रिवाइव हो सकते हो। तो प्लान बर्मुंडा के बात करें तो यार, मुझे लगा था प्लान बर्मुंडा आ जाएगा, पर गाइस नहीं, ये फिर से दिखा रहा है सितंबर, मतलब अगली OB24 तक हम लोग को लगता है शायद इंतज़ार करना पड़े। ठीक ठाक से कोई अपडेट नहीं है। तो ठीक है, आज का वीडियो के टॉपिक के ऊपर अब हम जाते हैं न्यू एलाइट पास सितंबर का फुल डिटेल। तो गाइस, ट्रेलर से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, एंजॉय द ट्रेलर। तो गाइस, ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अब एलिट पास वालों के लिए जो फीमेल जैकेट होते हैं वो एक पड़ंग का स्किन फिर से, ये भी ठीक ठाक है। और ये जो गाड़ी है बोट टाइप गाड़ी वो भी काफ़ी ठीक ठाक है गाइस। यहाँ पर स्किन तो मिल रहा है अब हर एलिट पास में, यही गाइस काफ़ी है जो पहले नहीं मिलता था। तो फ्री पास वालों के लिए एक जैकेट, नॉर्मल सा एक जैकेट, ए अवतार, एंड देन गाइस फीमेल बंडल देख सकते हो। ये फीमेल बंडल मुझे बहुत क्यूट लगा, सीरियसली मुझे ये फीमेल बंडल बहुत क्यूट लगा। पहले बार जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो उतना खास नहीं कुछ समझ रहा था, आप लोग भी नहीं समझ रहे थे, तो अब अच्छा लग रहा है। एंड देन गाइस, ये जो M5
00 का जो गन है उसका एक स्किन, एंड देन कैसे बैकपैक मुझे काफ़ी फनी लगा। ये राक्षस टाइप का बैकपैक मुझे सीरियसली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, आपको अच्छा लग सकता है। तो इसके बाद एक बैनर है ठीक ठाक से, और भाई ये इमोट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि किसी एनिमी को मारकर मैं उसको धूल चटा दे ऐसा टाइप का है। एंड देन ये सपोर्ट भी काफ़ी आया ठीक ठाक है, मुझे अच्छा लगा। बेसिकली मुझे ये सपोर्ट बहुत अच्छा लगा, सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग भी सकता है। एंड फ्री पास वालों के लिए वो पैराशूट, एंड देन गाइस लूट बॉक्स, लूट बॉक्स भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। एंड देन गाइस एटलास्ट एंड फाइनली गाइस मेल वाला बंडल, तो मेल वाला बंडल उतना अच्छा नहीं है भाई। ये जो एलाइट पास है मुझे सीरियसली मैं बोल रहा हूँ मेरा मन से, मेरा दिल से, मेरा मन की मोनी कोठा से, ओके बेंगलुरु में बोलते हैं मोनी कोठा से, तो मोनी कोठा से बोल रहा हूँ, मुझे ये एलाइट पास बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इमोट ठीक ठाक है, ओके सो गाइस बस यही है ये एलाइट पास। ये है सितंबर का एलाइट पास, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अक्टूबर की एलाइट पास के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। टाटा गाइस। Yeah.